खैबर पख्तूनख्वा में यंग डॉक्टर्स ने लेडी रीडिंग अस्पताल के सदर डॉक्टर को बर्तरफ करने के खिलाफ हड़ताल कर दी। कई अस्पतालों की ओपीडीज बंद कर दी गयी। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे कामरान अली। लेड रीडिंग अस्पताल के खिलाफ आवाज क्यों उठाई? अस्पताल इंतजामिया ने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अस्पताल के सदर को ओहदे से बर्तरफ कर दिया। ओहदेदार की बर्तरफी पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने खैबर पख्तूनख्वा में हड़ताल शुरू करके कई अस्पतालों की ओपीडी बंद कर दी। कहते करप्शन के खिलाफ आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। उसको टर्मिनेट किया है जो कि प्रेसिडेंट है यंग डॉक्टर एसोसिएशन LRH के। क्यों उसको टर्मिनेट किया है? उसको तो बहाने अलग बताए है। उसने जो क्लियर कट लिखा भी है कि उसने सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ आवाज उठाई है। LRH तर्जुमान का मौकफ है कि पॉलिसी के बार बार खिलाफ वर्जी पर डॉक्टर करामत को इंक्वायरी कमेटी के सफारशात पर बरतरफ किया गया है। हर इदारे का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है और उनकी एक पॉलिसी होती है जो CEO से लेके मतलब मैं अगर अस्पताल की बात करूं तो ट्रेनी और HO तक वो सब पे लागू होती है। CEO भी अगर उस पॉलिसी के खिलाफ जाता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर इंक्वायरीज बनती है और उस इंक्वायरी की रोशनी में फिर उसके अगेंस्ट जो है वो फिर फैसला करते हैं। यही हुआ है डॉक्टर करामत के साथ। यंग डॉक्टर्स ने इंदिया दिया कि अगर डॉक्टर करामत को बहाल ना किया गया तो 10 अक्टूबर से LRH समेत सूबे के तमाम अस्पतालों की ओपीडीज बंद करेंगे। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ कामरान अली, आज न्यूज़ पेशावर।